祝福咱那边的八阿姨。सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर जे फूटिंग ब्लॉग्स। सो आज का हमारा ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, टाइम हो रहा है 12:40 और 8 में है और आज हम लोग थोड़ा कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एक आर्ट गैलरी में, इन्फ्यूजन नाम है एग्जीबिशन का और ये कला चर्चा जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। जयपुर शो सीज़न 3 है। ओके, इसके अंदर ड्राॅइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर और डिजिटल आर्ट है। आप ही देखिए अच्छे से, तो भी यहाँ जाते हैं आपको और भी जो भी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे सब आपको दिखाते हैं, कैसी कैसी पेंटिंग्स हैं, किस किस में बनाई है सब कुछ। तो लेट्स गो। तो अभी मेरे को बस पूरा सेटअप करना है, कैमरा हेलमेट के लगाना है, माइक सेटअप करना है और फिर हम चलेंगे जवाहर कला केंद्र जहाँ पे ये एग्जीबिशन लग रही है इन्फ्यूजन। ठीक है, सो ये रहा कैमरा राइज J4000 और ये इसको मैं लगा देता हूँ उसके। ठीक है, परफेक्ट फिट हो गया। गाड़ी की चाबी, मोबाइल, बस एक दिक्कत है वो है माइक की। अब मैं आपको दिखाता हूँ माइक में हुआ क्या है। सो अभी दिक्कत क्या आ रही है इस माइक की, ये आप देख रहे हो इस माइक के ऊपर एक स्पंज लगा होता है जिससे कि है ना थोड़ा विंड नॉइज़ और विंड ब्लास्ट को थोड़ा वो कम कर देता है, वो घूम गया है। तो अब मेरे पास तो कोई और स्पंज है नहीं, तो अभी मैं इसको हेलमेट में सेटअप करूँगा और मैं निकलूँगा जवाहर कला केंद्र के लिए। हो सकता है कि आवाज़ में दिक्कत आएगी, मैं वैसे तो कोशिश करूँगा कि जब भी कुछ बोलूँ तो मैं गाड़ी रोक दूँगा, एकदम ही धीरे कर लूँगा, पास में ही ज़्यादा दूर नहीं है, बट लेट्स सी। ऑलराइट, सो गाइस अभी हम आ गए टोंक रोड आ गए, अभी बस थोड़ा सा आगे जाके बजाज नगर से मतलब KV स्कूल आएगा, फिर बजाज नगर, फिर आएगा जवाहर कला केंद्र। सोच रहा हूँ मैं खुद ही धो दूँ, धुलवा कर क्या करना, इतना टैलेंट तो मुझ में भी है। जवाहर कला केंद्र के दो गेट, एक आगे से फ्रंट गेट है और एक पीछे की साइड है, तो मैं बैक साइड वाले गेट पे गाड़ी पार्क करूँगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या है सेफ भी है और छाया वाया है। फ्रंट वाले गेट पे धूप की दिक्कत है, गाड़ी बहुत गर्म हो जाएगी। इस एग्जीबिशन का वैसे पहले इनॉग्रेशन हो चुका है, लोग बाग आकर जा चुके हैं, हम ही लेट हो गए हैं। वहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे सही छाया, सही जगह, बस यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और अब चलते हैं अंदर। ये जवाहर कला केंद्र का बैक साइड वाला गेट है, अंदर से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपको सब दिखाऊंगा कैसा दिखता है। गाइस नो, वी आर एट कलाचर्चा जवाहर कला केंद्र, ये है इन्फ्यूजन की आर्ट गैलरी और अभी पूरा घूमते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी पेंटिंग्स दिखाता हूँ, सारे स्कल्पचर्स। Thank you.
स्पेशलिटी ये कि वो बालों से पेंटिंग करते हैं, बालों से इन द सेंस बालों को चिपका के, मतलब कि कुछ उनके पास स्पेशल टूल है जो उन्होंने खुद ने बनाया है, उससे वो बालों को चिपकाते हैं और उस टाइप का आर्ट बनाते हैं, मतलब जो वो बनाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं ना वो फिर उससे दिखाते हैं, वो बालों को शेप में वो चिपकाते हैं जैसे कि पता चल जाता है। तभी मैं आपको वो पेंटिंग दिखाता हूँ। सो गाइस ये पेंटिंग है, ये ब्राक ओबामा की पेंटिंग है और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है। आपको दिख रहा है जो पूरा उनका फेस बना हुआ है, ये बालों से बना हुआ है, एक नॉर्मल प्लेन शीट है और उसके ऊपर इन्होंने बालों को चिपका के और फिर ये पेंटिंग बनाई है और ये बनी है। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा आर्ट दिखाया है। ये देखो ये पेंट ब्रश और ये जो पेपर है जिस पर पेंटिंग हो रही है, ये बालों से बनी हुई है, मतलब दिखाने के लिए ये बालों से बनाई जाती है वैसे। और सामने बहुत अच्छी इन्होंने पोएम लिखी। ओके सो गाइस ये फ्रंट गेट है जवाहर किला केंद्र का, देखो कितना ब्यूटीफुल है। वो सामने जेएलएन रोड है, मेन रोड, ये लाइब्रेरी और इधर से एंट्रेंस है। इधर कुछ लिखा है, पहले वो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एकदम शांति है, आवाज़ भी अच्छे से रिकॉर्ड होगी। और ये जगह है ना, इसके बारे में क्या कहना है। ये देखो गर्मी बहुत है अभी, मैं तो एग्जीबिशन से निकल गया हूँ, सारी मैंने फ़ोटोज़ पेंटिंग्स वगैरह सब देख ली थी, आप लोगों को भी दिखा दी, आप लोगों को भी बता दिया कि क्या क्या पेंटिंग्स थी स्कल्पचर और उनके बारे में। मेरे को भी हेयर आर्ट बड़ा अच्छा लगा यार, अनिल सैनी नाम है उनका, और वो आसिफा वाली पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, उन आसिफा को ट्रिब्यूट देने के लिए वो पेंटिंग बनाई थी, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और इस वाली एग्जीबिशन में जो ये इन्फ्यूजन था, कलाकारचा ने ऑर्गेनाइज़ कराई थी और इसमें गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट के आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करवाया, अलग अलग डिफरेंट आर्टिस्ट को बुलाया, उनकी पेंटिंग्स लगवाई, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था।